कैसा चले जाएगा, जिंदगी का कमाई लगा दिया है, लाशी जाएगा, अब जाऊँ कहाँ जाऊँ। शुगर का आदमी है, काम नहीं कर सकते बेटा, पहला काम किया, पहला ये घर उठाया रहा है। हम कहाँ रहेंगे इस उम्र, हम काम भी नहीं कर सकते, मैं भी दोनों बूढ़ा है। एक गली है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, इधर ही रहती हूँ, इधर की रिहायशी हूँ। तो अभी क्या सूरत हाल है यहाँ की इलाके की? हम आए थे इलाके में विजिट करने, ये देखा कि भाई रहमानाबाद की क्या सूरत हाल है। बस रोज ही हमारा यही है कि आना है, कोर्ट पे जाना है, हम लोग यही काम कर रहे हैं। रात को सोते हैं तो नींद नहीं आता है कि कब आ जाए बुलडोजर, कब तोड़ दे। हमारा तो जीना हराम हो रहा है इधर, हम क्या करें अभी। हमारा तो बस जो जिंदगी का जो कमाई है जो है सब हम इधर ही लगा दिया है। अभी इन लोग कह रहे हैं क्या 40 साल का आबादी है, मेरा उम्र 55 साल है, मेरा उम्र 55 साल है। अब ये कह रहा है 40 साल का आबादी है, मेरा देखा भी, मेरा बच्चों का भी बच्चा है, मैं खुद ऐसा हूँ। अब ये कह रहा है यही है तो ये है, रोज तोड़ने आ रहा है, रोज रात को सोता हूँ तो रात भर नींद नहीं आता है कि कब बुलडोजर आ जाए, कब तोड़ दे। ये हमारा बस हमारा जिंदगी अजाब करके रख दिया इन लोगों ने। आप क्या करती हैं, घर में काम करती हैं? जी बंगले में काम करती हूँ, बंगले में काम कर करके तो ये सारा इलाका बंगले में काम करती है। इन लोगों का ही बर्तन धोता है, इन लोग बर्तन धो दो के हम लोगों ने ये बनाया। घर में आदमी लोग सही से कमाता नहीं है, उनका भी थोड़ा हुआ है, परेशानी है। हम लेडीज लोग ही काम कर करके बनाते हैं। इनका घरों में अगर हम बर्तन नहीं धो ना, इनका घर से तो कीड़ा निकलेगा, और इन लोग हमारे पर इतना ज्यादती कर रहे हैं। तो कोर्ट गए थे तो क्या कहा उन्होंने वहाँ पे? वहाँ पे क्या कहे, बस गए थे, कह रहे हैं टाइम दिया है, टाइम पे टाइम। बस अभी आज का बोला था, अभी कह रहे फिर 26 तारीख का है। अभी देखे 26 तारीख को अल्लाह मियाँ क्या सुनाता, अल्लाह मियाँ क्या चाहता है हम लोग का साथ। तो अभी आपके घर में कितने अफराद हैं? हम लोग तो 6 अफराद है, बच्चा बड़ा लेके 6 अफराद। तो काम करके घर काज करके वो बस ये बंगले में काम करके मुश्किल से चल रहे हैं। वो भी आदमी लोग डर के मारे नहीं जा रहे, कह रहे कब क्या हो जाए। आदमी लोग बहुत डर डर के रह रहे हैं कि औरत लोग तो नहीं उठा सके। अभी देखे ये जब जिस दिन आंसू के छोड़ा है, मेरे को खुद घर से खींच के इधर ला के फेंका है, दो पुलिस वाला औरत, आदमी ने डंडा मारा है लेकिन मेरे को लगा नहीं, दरवाजे पे लगा, लेकिन खींच के कमरे से लेके आया, खींच के इधर लाके फेंका सबका सामने। बोलता क्यों नहीं निकल रहे, क्या करे, ये तो जबरदस्ती इन लोग जुलुम कर रहे, जबरदस्ती जुलुम कर रहे। हम ना काम पे जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना हमारे आदमी लोग जा रहे डर के मारे कि औरत लोग क्या करेंगे। हम अगर काम पे चला जाए औरत क्या करेंगे, अभी आप ही बताएं हम क्या करें। साल से हम रह रहे हैं, अभी बोलता पार्क का जगह है, पार्क तो वो है, हम क्या कर सकते बेटा। मेहनत करके घर बनाया, बच्चा लोग रह रहा, बच्चा का जुआ नहीं इधर है, बच्चा का बच्चा हो गया, फिर हम क्या कर सकते बोले। हमारे बच्चे पढ़ने भी नहीं जाता, पढ़ने भी नहीं जाता डर से। हाँ पर अभी मेरा बच्चा का खराब हो रहा, क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे। हम तो शुगर का आदमी है, हम काम नहीं कर सकते बेटा, पहला काम किया, पहला ये घर उठाया, अभी मैं काम नहीं कर सकते, मैं चल नहीं सकते। बच्चे भी काम करने जा रहे हैं। कितनी उम्र हो गई है, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल 50 साल तो हो गया, 50 साल रहते हुए हो गए यहाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज आप देख रहे होंगे मैं फिर से रहमानाबाद में मौजूद हूं, और रहमानाबाद की उन्हीं गलियों में जहां पर आपको मैं पिछली वीडियो में दिखाता रहा हूं कि यहां पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो हंस रहा है, वो इसलिए हंस रहा है कि पतरी बेटा यहीं रहते हो आप जी। क्या हुआ, स्कूल नहीं गए आज? आज छुट्टी है, तो कहाँ घर तुम्हारा? बच्चे का घर है गली के अंदर। तो कैसा लगता है जब वो आते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, जो भी आता है आपके पास? बुरा लगता है, डर नहीं लगता? डर तो बहुत लगता। डर लगता है, डर से आवाज नहीं निकल रही इसलिए जी। आवाज निकल रही है हल्की। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सेवन में पढ़ते हैं। तो ये बच्चा है हमारे साथ, एक छोटा सा बात कर रहा था, और बच्चा तो कहते हैं ना बच्चे होते हैं, और वो बात नहीं कर पा रहा, उसको शर्म भी आ रही है और समझ भी नहीं आ रहा है कि वो बोले क्या। तो ये आपको मैं गली दिखा रहा हूँ, ये मैंने कोई नई गली नहीं है, पहले भी दिखाई है, और मैं आपको यहाँ नंबर दिखाता चलूँ, और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ 465, बिल्कुल 465। ये एक नॉमिनेट घर है जिसको तोड़ने का नोटिस दिया हुआ है, और यहाँ पर वही रहने वाले आपको गलियों में दिखेंगे हमेशा से, वो परेशान और उसी हालत में। और यहाँ पर आज मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं,
तो हम आपको आज दूसरी गली दिखाते हैं जहाँ पर नोटिसेस मिल रहे हैं लोगों को, और ये एक गली है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। यहाँ पर भी अच्छे खासे घर है, मीटर भी है भाई, और मीटर लगे हुए हैं, पानी की लाइनें भी चल रही हैं। और यहाँ पर घर बने हुए हैं। बात ये नहीं है कि आप इनको, ये लीगल है या अनलीगल है, अब ये रहते हुए यहाँ पर कहाँ जाएंगे, आपसे सवाल कि आप मेरे कमेंट में बताएं कि अब ये रह रहे हैं तो अब ये कहाँ जाएंगे। अब ये मुंतज़र हैं आपके सवालात के और आपके जवाबात के, कि ये अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, किस तरह से घर बनाएंगे, क्योंकि इस महंगाई के अंदर लोगों का गुजर बसर बिल्कुल नहीं है। मैं खुद ही आपको बताता चलूं कि हमारे एक दोस्त हैं, सैलरीज उनकी लेट होती हैं और वो उनका खाना पीना बहुत मुश्किल होता है, वो खुद मुझे बताते हैं। तो जब मैं ये नोटिस देखता हूँ तो मैं भी एक टाइम डर जाता हूँ कि अभी किस तरह से गुजारा होगा। ये देखिए ताला लगा हुआ है घर में, शायद चले गए, और घर तो यहाँ पर माशाल्लाह सभी बने हुए हैं। बात इस घर की नहीं है, बात है इसमें रहने वालों की जो इसमें रह रहे हैं, और एक अफराद नहीं होगा, तीन कमरे होंगे तो तीन कमरों के हिसाब से अगर दो बंदे भी लगाए जाएं तो छः अफराद और 12 अफराद। जिस गली से हम गुजर रहे थे उसके सामने बिल्कुल ही, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मस्जिद है, जनरल स्टोर है, बिल्कुल आम सी जिंदगी है, और ये मस्जिद आ गई जामा मस्जिद मोहम्मदी। और मोहम्मदी के बिल्कुल मैं लेफ्ट साइड देखूंगा तो पूरी आबादी है, और आज हम चलते हैं उस आबादी की तरफ। यहाँ दुकानें बनी हुई हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जनरल स्टोर है, बेकरी है, और काम चल रहा है। बाबा आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? हाँ, ये तीन मंजिल बना हुआ हमारा, आपका बना हुआ घर है? ये कतरा कतरा पैसा जमा करके हमने ये बनाया, अभी अभी हमारा साथ सीन जा रहा है, हम कहाँ रहेंगे इस उम्र, हम काम भी नहीं कर सकते, मियाँ बीवी दोनों बूढ़ा है। तो खाली मियाँ बीवी रहते हैं? अभी मियाँ बीवी रहता हूँ, बच्चे अभी बड़ा हो गया, बस गुजारा चलता है, अभी बच्चे बड़ा हो गया, वो अपने शादी शुदा किया हुआ, दूसरा जगह पर रह रहा है, अभी साल सीन जा रहा है, हम अब कहाँ जाएंगे, ये हम 60 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, ये रेशन कार्ड है, गैस का बिल है, पानी का बिल, हर चीज़ का हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, समझिए रेशन कार्ड पुराना जो मिलता था, हम अभी कहाँ जाएंगे बताए इस टाइम पे, ये ना इस उम्र पे, हम चाहता है हमारा घर बच जाए, मत ये दिलाता हूँ हमारा घर बच जाए, ये हम मुबारकबाद देना चाहता हूँ हुकूमत को, है ना। तो बाबा की ये अपील है कि वो चाहते हैं उनका घर बच जाए, और हर बंदा ये चाहता है, हर इंसान ये चाहता है कि उसका घर बच जाए। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको नोटिसेस मिल रहे हैं। तो आज हम आपको यहाँ पर कुछ अपडेट देने आए थे कि नोटिसेस और हेयरिंग्स के बाद क्या मामला थे यहाँ पर, और कहानी कहाँ तक पहुँची। और हमारे साथ एक लड़का और मौजूद है, भाई कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। तो भाई आज हेयरिंग हुई थी, हमने सुना पीछे लोगों से, तो आप गए थे क्या? मैं आज गया नहीं, खैर बहरहाल इतना पता चला है कि असल में हमारी उम्र नहीं है यहाँ भागने की, इतना पता चला है कि बदरुद्दीन साहब ने केस करके रखा हुआ है, तो उनसे इस ज़रिए कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कुछ रहम खाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, सब की घर उजड़ जाएगी, स्कूल की पढ़ाई रुकी हुई है, सारे कुछ रुके हुए बच्चे। तो तुम क्या काम करते हो, क्या कारोबार है भाई? पीछे कबाड़ी की दुकान है,
तो उससे कितने पैसे कमा लेते हो? नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ, अब वाली साहब बैठते हैं इधर। वाली साहब बैठते हैं, तो अगर मैं फारिग होता तो मैं इधर बैठ जाता हूँ, नहीं तो मेरी पढ़ाई चालू है। क्या पढ़ते हो? मैं मैट्रिक पर हूँ माशाल्लाह, इब्राहिम अली भाई ब्लॉक 10 पर है। इस चक्कर में सबकी पढ़ाई भी बंद पड़ी हुई। और हाँ, सबकी पढ़ाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जहाँ मैं अभी स्कूल पढ़ रहा हूँ वहीं से शादी अफरीदी मैट्रिक कर निकले, तो उनसे भी मैंने सर से पूछा, बोले शादी अफरीदी ऐसे बंदे नहीं है, उनके मामू कर सकते। क्योंकि मैंने उनसे भी पूछा सर से कि ये शादी अफरीदी ने केस किया हुआ, तो वो कह रहे थे शादी अफरीदी ने नहीं, उनके मामू ने किया हुआ, कोई कज़न वगैरह। बहरहाल उनसे ये दरख्वास्त है कि हमारे ऊपर कुछ रहम खाएँ, ये बच्चे छोटे छोटे, इनके ऊपर कुछ रहम खाएँ, उनकी पढ़ाई खत्म हो। तो भाई अपील यही है कि भाई सबकी, कि जिसने भी ये केस किया हो रहम खाइए। तो दोस्तों ये है रहमान आबाद, और आपको अपडेट करूंगा फिर एक नई अपडेट के साथ यहां से। इंक्रोचमेंट के जो आप इश्यूज चल रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से ये मामला बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक हेयरिंग के बाद फिर आपसे यहां पर अपडेट करेंगे। तो रहमान आबाद से एक नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।